अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बिज़ टॉक। मैं हूं आपकी मेजबान नताशा हसी। मार्केट के सेंटिमेंट दोबारा बुलिश नोट पे आज भी दिखाई दिए। इट मींस के 45,000 का लेवल कंसोलिडेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। एट द सेम टाइम हम देख रहे हैं आज कुछ फाइनेंशियल्स में ज्यादा बाइंग देखी गई। यहां पर कुछ जो है वो बैंक्स जो है वो ज्यादा गेनर्स रहे। इसके साथ साथ कुछ ऑयल मार्केटिंग कंपनीज यानी कि ईएनपी सेक्टर की तरफ भी ज्यादा रुझान रहा। इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट के अंदर काफी गुंजाइश मौजूद है और हम देख रहे हैं पॉजिटिविटी काफी हद तक प्रिवेल कर रही है। एक पॉजिटिव नोट देखा जा रहा है मार्केट के अंदर। ग्रीन टेरिटरी परफॉर्मेंस ऑल इन ऑल अक्रॉस द बोर्ड बाइंग देखी जा रही है। इट मींस के मार्केट के अंदर एक वेलकमिंग सिचुएशन है। इन्वेस्टर्स जो है वो काफी हद तक ट्रस्ट बिल्डअप करते हुए यदि दिखाई दे रहे हैं कि ओवरऑल उनका जो ट्रस्ट है उसका लेवल काफी हद तक पॉजिटिव नोट पे है, जिसका इंपैक्ट मार्केट के अंदर हम डेली बेसिस पे पॉजिटिव नोट पे नंबर्स को देख रहे हैं। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में जो आज हमने टॉपिक सिलेक्ट किया है वो है इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक कंडीशन यानी कि ओवरऑल इकोनॉमिक जो कंडीशन दिखाई दे रही है, क्या एनवायरमेंट चल रहा है। 2020 फिस्कल ईयर जब स्टार्ट हुआ बहुत पॉजिटिव नोट पे हुआ, अब हम कहां खड़े हैं आज के प्रोग्राम में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं और उनका तारुफ कराते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। हमारे साथ मौजूद हैं सिराजुद्दीन अजीज साहब, आप सीईओ हैं ग्रुप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के हबीब बैंक एजीक्यूटिव। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद हैं फरीद आलम साहब, आप सीईओ हैं एकेडी सिक्योरिटीज के। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू जी। सबसे पहले आगाज करेंगे, फिर आज सबसे आगाज करना चाहूंगी सर। सबसे पहले ये बताइए ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशन पाकिस्तान की अगर हम देखें इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या दिखाई दे रही है। एक तरफ यूएसए के इलेक्शन, थोड़ी सी डिफरेंट माहौल देखा जा रहा है। एक तरफ काफी चैलेंजेस कोविड और पाकिस्तान अपनी ब्लेसिंग्स को गेन करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या कहेंगे। मैं समझता हूँ आपकी जो तज़िया है वो बिल्कुल सही है। डिस्पाइट द फैक्ट के जो ग्लोबली हो रहा है, पेंडेमिक का जिक्र अब करना मुनासिब नहीं है, काफ़ी उस पर कह चुके हैं हम लोग सभी लोग। पेंडेमिक को हैंडल करना सीखना पड़ रहा है और सीख जाएंगे हम। आप देखें एक्सपोर्ट्स में जो बदतरी से इजाफा हुआ है इस फाइनेंशियल ईयर में, दैट रिफ्लेक्ट्स के ऑर्डर्स वापस आ रहे हैं और एक्सपोर्ट इंडस्ट्री हमारी चल पड़ी है और ये आगे चलते हुए और मैं समझता हूँ कि इसमें पॉजिटिव डेवलपमेंट्स होंगे। सो ऑन एन ओवरऑल बेसिस सेंटिमेंट जो है और डायरेक्शन जो है इकोनॉमी का वो पॉजिटिविटी की तरफ है। और डिस्पाइट द ग्लोबल एनवायरनमेंट विच इज़ नॉट सो कंड्यूसिव एट दिस पॉइंट इन टाइम, उसके बावजूद हमारे जो डायरेक्शन सेटिंग थी वो मेरा ख्याल है दो ढाई साल में हमने सही कर ली है एंड वी आर ऑन द राइट पाथ। वी नाउ नीड टू कंसोलिडेट दिस बाई स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी, स्टेबिलिटी इन द प्रोसेस, the entire process of the government machinery and everything else, उसके साथ साथ मेरा ख्याल है तरक्की हो सकती है और मैं पॉजिटिव हूं इसके बारे में जी। ओके, आप पॉजिटिव नोट पर दिखाई दे रहे हैं, आप ऑप्टिमिस्टिक हैं। फरीद साहब आप भी इस पॉइंट पे एग्री करते हैं कि ओवरऑल अलॉट ऑफ चैलेंजेस हमने फेस किए 2020 के स्टार्ट में, लेकिन एंड में हमने उनको रिकवर भी किया। मार्केट के नंबर्स देख लें थ्रू आउट 27,000 के लेवल से वापस जो है वो अब 45,000 पे 2021 के आगाज में हम खड़े हैं। क्या दिखाई दे रहा है, अब हमें क्या चैलेंजेस मजीद दरकार मजीद हो सकते हैं और अब हमें कौन से ट्रिगर्स मजीद दरकार हैं। देखिए ऑप्टिमिज्म तो है मार्केट में, नजर भी आता है और वो रिफ्लेक्ट भी होता है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स में, वॉल्यूम्स में और रोजमर्रा वाले काम में। उसकी वजूहात में बहुत बड़ा हम वी कीप ऑन डिस्कसिंग, बट हम वी कांट ओवर एम्फसाइज अ पॉइंट कि जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एक कोऑर्डिनेटेड एक जो रिस्पांस था इस कोविड पे, जिसका जिक्र आपने खुद ही किया कि 2020 हैज बीन अ चैलेंजिंग ईयर फॉर ऑल द इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड एंड पाकिस्तान वॉज नो एक्सेप्शन। पाकिस्तान हैज बीन अल्हम्दुलिल्लाह ब्लेस्ड विद अ फ्यू थिंग्स, जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट, मैं सिर्फ डायरेक्ट इकोनॉमी पे आता हूँ कोविड को छोड़ते हुए, स्टेट बैंक ने और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो एक एफर्ट की उसका नजर और समर सबको मिल रहा है और हमें उम्मीद है कि ये वी एज पाकिस्तान और जिसने नेगोशिएट किया विद द इंटरनेशनल लेंडर्स विद आईएमएफ प्रोग्राम, ऑल्दो अभी ऑन होल्ड है बट स्टिल द वे वी द टीम नेगोशिएटेड दैट क्रेडिट गोज देयर। जो आपका अगला पॉइंट है कि क्या लग रहा है, आई थिंक द वर्स्ट इज बिहाइंड इंशाल्लाह। थोड़े चीजें हैं जरूर, चैलेंजेस ये नहीं वो खत्म हो गए एवेपरेट हो गए, चेंज चैलेंजेस हैं उनको हमें सिर्फ ये है कि जिस तरह मैं एग्जांपल लूंगा एनालॉजी ड्रॉ करूंगा कि जिस तरह जब कोविड का जो फर्स्ट राउंड था तो हमें पता नहीं था कि कहाँ जाएगा कहाँ खत्म होगा तो उसकी क्या खुदा न खास्ता प्रॉब्लम आएंगी, वो एक दफा ओवर हुआ
हम पाकिस्तान के नंबर्स बहुत बेहतरीन हो गए. मैं चलें अब पाकिस्तान पे आ जाता हूँ. दुनिया पे तो अभी भी इश्यूज हैं कोविड के सिलसिले में. सेकंड राउंड शुरू हुआ. अब हमें क्योंकि इट इज सेकंड के अंदर लोगों को फर्स्ट का एक्सपीरियंस हो चुका है, तो ऑल्दो दे आर नॉट फॉलोइंग द एसओपीज दे शुड, बट इसी तरह अब पाकिस्तान में जब इकोनॉमी को धचका लगा तो जो रिस्पॉन्स दिया स्टेट बैंक ने और गवर्नमेंट ने उसका इम्पैक्ट देख लिया. टाइमली पॉलिसीज थी, चाहे वो कंस्ट्रक्शन पैकेज देखें, इंटरेस्ट रेट में कमी देखें. जी, और जो आपने कंस्ट्रक्शन पैकेज कहा या उसके अंदर जो एक्सटेंशन मिली, इसमें बहुत सारे लोग थोड़े से कंफ्यूज थे कि कैसे, हाउ विल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान रीनेगोशिएट दिस एक्सटेंशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बट आई थिंक क्रेडिट गोज देयर कि जब उन्होंने रीनेगोशिएट भी कर लिया. और ये दो तीन ऐसे इश्यूज हैं जिसने पूरी इकोनॉमी को चलाने में हेल्प किया. राइट, फरीद आलम साहब, एक तरफ हमें कंस्ट्रक्शन पैकेज मिलता है तो उससे रिलेट करती हुई बहुत सारी जो है वो इंडस्ट्रीज हैं और उससे रिलेट करती हैं. एट द सेम टाइम, बल्कि मैं सिराज साहब से ये पूछना चाहूंगी सर, ओवरऑल वो इंडस्ट्रीज जिनको पैकेज चाहिए, कंस्ट्रक्शन पैकेज को ही क्यों, यानी कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को ही क्यों पैकेज दिया गया? ओवरऑल इंडस्ट्रीज को भी अगर खुली तौर पर ये इस टाइप का कोई पैकेज दे दिया जाए तो इससे ओवरऑल इकोनॉमी चल पड़ेगी? खाली कंस्ट्रक्शन पैकेज और उससे रिलेटेड इंडस्ट्रीज जो है वो कंस्ट्रक्शन की वही चल रही है? आई थिंक कंस्ट्रक्शन को इसलिए कॉन्सेंट्रेट किया जाता है दुनिया भर में कि उससे जो पेरिफेरी इंडस्ट्री है उसमें तकरीबन 32 या 34 इंडस्ट्रीज इफेक्ट होती है. एग्जैक्टली, उसकी वजह से. सो द मोमेंट यू गिव इम्पेटस एक को देते हैं आप, तो 34 को इम्पेटस मिलता है ग्रोथ का. राइट, तो इस वजह से कंस्ट्रक्शन पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं. रही बात, देखिए एक जो चीज अच्छी की गई थी खासतौर से 2020 में, जिसका जिक्र फरीद आलम साहब ने भी किया, जो बाउंस बैक लोन्स पाकिस्तान ने दिए हैं ना, जो सैलरी लोन्स दिए हैं स्टेट बैंक की तरफ से, बैंकों के जरिए दिए गए, उससे बड़ा फायदा ये हुआ कि जो बेरोजगारी वेस्ट में आपने देखी कोविड के नतीजे में, वो पाकिस्तान में नहीं हुई, कम से कम उस लेवल की नहीं हुई. right. जब बेरोजगारी नहीं होती है तो सोशल स्टेबिलिटी आती है. सोशल स्टेबिलिटी इज एन एब्सोल्युटली क्रूशियल फैक्टर फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ. तो वो हम बरकरार रख चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं समझता हूँ, एज ए नेशन. सो दैट इज हेल्पिंग अस. अब ये आगे चलते हुए पे बैक कैसे करेंगे विल ऑल डिपेंड ऑन हाउ द इकोनॉमी ग्रोज इन द फ्यूचर. बट एज आई सेड अर्लियर, डायरेक्शन राइट पाथ. जो टाइमली मेजर्स लिए गए, जैसे कि इंटरेस्ट रेट में कमी की गई या स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ गए, अब सेकेंड स्पाइक नजर आ रही है जिसको लोग ज्यादा सीरियस नहीं ले रहे लेकिन है, और इससे हमें टैकल भी करना है, इसे प्रॉपरली हमें इसके साथ ही रहना है. तो अब इस स्पाइक को मद्देनजर रखते हुए अब जो मेजर्स लिए जाएं, यानी कि जो स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी थी, क्या वो वैसे ही रखी जाएगी या अब स्कूल्स वगैरह भी ओपन हो जाएंगे और प्रॉपरली उसको टैकल किया जाएगा? देखिए, जब पहली दफा कोई चीज फेस करता है आदमी तो अनप्रिपेयर्ड होता है. नाउ वी हैव इन अ स्टेट ऑफ प्रिपेयर्डनेस. लोगों का ये ख्याल है कि अब हम तवज्जो नहीं दे रहे हैं एसओपीस की तरफ. मेरा बिल्कुल मुख्तलिफ राय है मेरी, कि मैं समझता हूँ अब ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं लोग, क्योंकि उन्हें पता है कि हाउ डेडली द वायरस इज, उनको पता है इसके क्या असरात होते हैं. एक चीज होती है जब आप अखबार में पढ़ते हैं कि ऐसा कोई वाकया हुआ है कोविड जैसा, तो उनको तो सुर्खी चाहिए. ये भी न्यूज आइटम होता है, एक न्यूज आइटम होता है. बट व्हेन इट स्टार्ट्स इफेक्टिंग पीपल अराउंड यू एंड योर ऑर्गेनाइजेशन में हुआ है, मोहल्ले में हुआ है, सिटी में हुआ है, देन इट्स वेरी क्लोज टू यू. दैट्स व्हेन एवरी सिंगल इंडिविजुअल लिटिल बिट ऑफ सेंसिबिलिटी गेट्स अलर्ट. तो वो चीज हो चुकी है एंड देयरफॉर आई पर्सनली थिंक एसओपीज ज्यादा फॉलो हो रही हैं. पीपल आर मेंटेनिंग डिस्टेंसेस. हाँ ठीक है, अब ये शादी वगैरह के ये जो सिलसिले हैं ये तो चल रहे हैं, लेकिन वहाँ पे भी कोशिश तो बहरहाल कर रहे हैं लोग कि एक दूसरे से जरा फासला रखे हर चीज़ों. तो आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी स्लो डाउन और अ लैक इन टर्म्स ऑफ फॉलोइंग द एसओपीज. मैंने सर, अब ये तो आपसे डिफरेंट हो गया थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू. आपसे तो यहाँ पे थोड़ा सा डिबेट चलनी चाहिए इसके ऊपर. हमारे सीनियर हैं, हमारे मेंटोर हैं, इनका पॉइंट में बिल्कुल वजन है. ये जो पॉइंट है इनका, मैं देखिए, एक है जो बिहेवियरल साइंसेस, सिराज साहब अभी आपको कन्विंस करेंगे प्रॉपर्ली आपने. जो फर्स्ट टाइम में मुझे भी याद है, हम बहुत एज अ नेशन एज अ लोग हम थोड़े से डरे हुए थे. अभी मैं अपने दोस्तों को अपने ऑफिस में जनरल देखता हूँ तो लोग अफ्लक्ट क्वांटिटी नंबर्स खतरनाक हो अलार्मिंग हुए हैं. लेकिन क्योंकि एक वेव, जिसमें इन्होंने खुद कहा सिराज साहब ने कि वी हैव क्रॉस्ड फर्स्ट स्टेज, होती है ना तीन स्टेज की या दो स्टेज की, पता नहीं कितने स्टेज की गेम है ये. तो अगर फर्स्ट स्टेज पे हमने सक्सेसफुली कर ली थी तो लोगों को समझ आई कि हमने बिहेव किया, हमें फायदा हुआ. मेरे पास तो ये सुबह शाम इशू होता है कि हमारे पास जो लिस्टिंग के लिए लोग आते हैं वो कहते हैं हम बिहेव करेंगे हमें फायदा क्या होगा,
हम उसको समझाते हैं कि अगर आप डिसिप्लिन्ड हो जाओ, बिहेव करो, गवर्नमेंट को जो इसका टैक्सेस है, सेल टैक्स है, इनकम टैक्स है, वो दो, तो आपकी वैल्यूएशन मार्केट अच्छा कर देती है. तो बिहेव करते हुए, फर्स्ट टाइम बिहेव करते हुए लोगों को इंसेंटिव चाहिए होता है, देखना चाहते हैं कि हम ये करेंगे तो हमें मिलेगा क्या. तो फर्स्ट राउंड में सिराज साहब इज एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन व्हेन ही सेड लोगों को देखा हुआ है कि रिजल्ट क्या आया था. तो जो समझदार लोग हैं वो बिहेव कर रहे हैं, जो थोड़े वैसे हैं कि यार चलो देखी जाएगी, वो उनका अलग पॉइंट है. बट नंबर्स पाकिस्तान के अल्लाह के फजलो करम से खासे बेहतर हैं. व्हेन वी कंपेयर यूके नंबर्स देखें आप कितने अच्छे और बेहतरीन होते हुए दिखाई दे रहे हैं एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज. उनके एक्सपोर्ट्स डाउन जा रही हैं, हमारे यहाँ पे एक पॉजिटिव नोट दिखाई दे रहा है. ओवरऑल ट्रिगर्स मैंने आपसे पूछा था कि कौन कौन से आप इन हैंड नजर आते हैं, विच इज अगर हम एफएटीएफ की बात करें जो मार्केट को और जो इकोनॉमी को एक बूस्ट दे सकते हैं. देखिए एफएटीएफ में तो हम फरवरी 2021 के इंतजार में हैं. जो ऑप्टिमिस्ट पाकिस्तानी हैं और यंगस्टर्स हैं, हमें तो सबको शौक है कि ये जो पांच रह गए आउट ऑफ 27, हम इसको द गवर्नमेंट इज अप टू इट और पीपल ऑफ द जॉब आर ट्राइंग द लेवल बेस्ट टू गेट पास दिस फाइव टेस्ट. लेकिन साइड बाय साइड जिस तरह आपने पूछा, ये थोड़ा सा कंसर्न भी है कि फरवरी में जो वर्स था खुदा ना खास्ता ब्लैक वाला वो खत्म हो गया, ग्रे में से कब निकलना है दैट इज समथिंग वी शुड लुक फॉरवर्ड टू. और फरवरी 2021 तकरीबन पहुंच गया है, उससे हमें लग रहा है कि वी स्टैंड अ ब्राइट चांस के हम एफएटीएफ के ग्रे से भी निकल के नॉर्मल में चले जाएं. एट द सेम टाइम सर कुछ पॉलिसीज भी दी गई हैं, जैसे कि मेजर्स स्टार्ट में 2020 के दिए गए, अब 2021 जब न्यू ईयर स्टार्ट हुआ है तो उसमें भी दिए गए हैं, इट इज अ मिड ऑफ फिस्कल ईयर. तो ओवरऑल टेक्सटाइल पॉलिसी या ऑटो पॉलिसी जो आ रही है क्या दिखाई दे रहा है, इससे क्या आगे एक बूस्ट लगेगा, क्या इकोनॉमिक जो नंबर्स हैं जैसे कंस्ट्रक्शन पैकेज के आते ही ओवरऑल दिखाई दिया है, इसी के तरह का ये एक इम्पैक्ट देगा. लेकिन जो टेक्सटाइल्स अगर एग्जाम्पल लेके हम बात चलाएं तो लगे नाजरीन को हमारे समझ में आए, जब पाकिस्तान का कोई भी एक्सपोर्टर जब एक्सपोर्ट करता है चीज, उसके जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में बहुत सारे वेरिएबल्स ऐसे हैं कि जब वो कम्पीट करता है विद देयर वियतनामी और बांग्लादेशी काउंटर पार्ट, तो वहां का एनर्जी की कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट और ये यहाँ की जो रेड टेपिज्म और सारी छोटी छोटी कॉस्ट टू द एक्सटेंट उसको इन्वॉल्व होता है, सबसे बड़ा मसला आता है उसको एनर्जी का, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या पावर सबसे ज्यादा होती है. तो उसको कम्पीट करने के लिए बड़े रेजर थिन मार्जिन पे काम करना पड़ता है. ये उसकी वोज है, मैं उससे ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा. ओके, इस पे मैं मजीद बात करना चाहूंगी फरीद आलम साहब. अभी हम चलते हैं ब्रेक की जानिब, स्टे ट्यून्ड. हजूम में सच की तलाश मुश्किल जरूर है मगर नामुमकिन नहीं. मुल्की और गैर मुल्की हालात और वाकयात को हम परखते हैं हर जाविये से और बिल आखिर ढूंढ लाते हैं सच को जो हकायक पर मबनी होता है. देखिए प्रोग्राम सच के साथ सैयद अनवारुल हसन के साथ. देखिए हर सोमवार से जुमेरात रात 10:05 पर सिर्फ पीटीवी न्यूज पर. ताकत है अवामी नुमाइंदों को इख्तदार के हवालों तक पहुंचा सकती है और अवाम के खातिर किए जाने वाले फैसलों के समरात अवाम तक पहुंचाना इन्हीं नुमाइंदों का फर्ज है. इन्हीं अवामी नुमाइंदों से पूछेंगे सवाल और करेंगे अवाम के हुकूक के तहफ्फुज़ की बात, अवामी मसाइल के हल की बात, अवाम से अवाम तक. देखिए हर सोमवार से जुमेरात रात 8:05 पर सिर्फ पीटीवी न्यूज पर. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله
اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدگمانی سے بچتے رہو کیونکہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے اور لوگوں کے رازوں کی کرید نہ کیا کرو اور نہ لوگوں کی نجی گفتگو کو کان لگا کر سنو آپس میں دشمنی پیدا نہ کرو بلکہ بھائی بھائی بن کر رہو ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ٹیکسٹائل پالیسی کے بارے میں. فرید صاحب اور سراج الدین عزیز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. فرید صاحب سے میں چاہوں گی کہ وہ کمپلیٹ کریں. سر پلیز گو اہیڈ. میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ جو ہمارے ایکسپورٹر کو اگر میں بالکل امپارشل ہو کے نہ ان کو سائڈ کروں نہ ان کے اینٹی جاؤں تو صرف یہ مجھے ضرور لگتا ہے کہ جو پاکستانی ایکسپورٹر جب اپنی پروڈکٹ کو ون کرنا چاہتا ہے اگینسٹ دا پیئرز جو کہ بنگلہ دیش ہو سکتا ہے جو کہ ویتنام ہو سکتا ہے اینی ادر کنٹری تو ہمارے یہاں جو پاور کی الیکٹریسٹی کی جو کاسٹ ہے وہ سٹینڈ کرتی ہے بہت زیادہ. تو اگر سب کچھ وہ بہت اچھا مینٹین مینج کر رہا ہے وہ ایٹ آؤٹ کر جاتا ہے اس کا پروفیٹیبلٹی. بٹ ہمارے انٹرپرینیورز اور ٹیکسٹائل والے بھی اور ادر ایکسپورٹرز بھی دے ہیو لیوڈ اپ ٹو دس مومنٹ. انہوں نے کچھ نہ کچھ طریقہ کر کے اپنا دے کمپیٹ ویل. ٹیکسٹائل پالیسیز کے اندر اور جو آپ نے کہا کہ کنسٹرکشن پیکج کے ساتھ اور انڈسٹری کو بھی دینا چاہیے تو جو بھی ہمت کر کے آئے اکٹھا کلیکٹو اپنا پیش کرے گورنمنٹ آف سرکار کو کہ لک اف یو ڈو دس فار اس ہم یہ کر کے دکھائیں گے تو آبویسلی جو ہماری گورنمنٹ ہے وہ تھوڑا موو ہوگی. کیونکہ یہ نیڈ آف دی آر بھی ہے. کووڈ جیسے چیلنج کے اندر ضروری ہے کہ امپلائمنٹ جنریٹ ہو. دیکھیں جو اسٹیٹ بینک نے کام کیا تھا نا جب انہوں نے لیکوڈیٹی پہنچائی اگر ایس ایم ایز کو اسٹیٹ بینک یہ ایفرٹ نہ کرتا سیلریز کے اندر یا جو ٹرف والے میں دیا ٹیمپرری اکنامک ریویو نہ دیتا تو لیکوڈیٹی پاکستان میں جو بہت سارے فیلئرز ہوتے ہیں اور استاد بیٹھے ہیں ہمارے بینکر بھی میں ان سے پوچھوں گی پہلے آپ بتا دیں. تو یہ میری بات کو زیادہ میرے خیال سے کلیئر کریں گے کہ اگر لیکوڈیٹی یا جو پرابلم سب سے زیادہ پاکستان میں بینک دنیا میں الگ ہوگی پاکستان میں چھوٹے جو پروجیکٹس چھوٹے ایس ایم ایز کو بند ہونے کا سب سے بڑا مسئلہ ہے
एक्सेस टू फंडिंग ना होना, तो इस तरह के कोविड वाले इश्यू के अंदर द वे स्टेट बैंक केम अप टू द रेस्क्यू ऑफ द एसएमईज एंड ऑल द अदर इंडस्ट्री, उसने काफी हद तक एक ऑप्टिमिज्म क्रिएट किया और एंटरप्रेन्योर ने भी हिम्मत की कि यार अगर सरकार मेरी कर रहा है ये तो मुझे भी कुछ ना कुछ करना आगे बढ़ना चाहिए। सिराज साहब आप कुछ ऐड करना चाहेंगे ओवरऑल अगर टेक्सटाइल की बात करूं और मैं स्टार्ट से ये पूछूं आपको, जैसे टेक्सटाइल पॉलिसी दी गई एक्सपोर्ट्स को एग्जैजरेट करने के लिए, ओवरऑल हमें और भी प्रोडक्ट्स की और भी इंडस्ट्रीज की जरूरत है कि मार्केट में और प्रोडक्ट्स आए और प्रमोट हो, क्योंकि ओवरऑल टेक्सटाइल सेक्टर इटसेल्फ एक अच्छा उसका एक क्वेश्चन है प्रॉपर एक्सपोर्ट के अंदर, लेकिन ओवरऑल डिफरेंट और इंडस्ट्रीज आगे नहीं आती है और यही वजह है कि एक्सपोर्ट्स के नंबर सिर्फ टेक्सटाइल पे ही जो है वो प्रॉपर्ली इंसार करते हैं। लेट मी आंसर इट इन डिफरेंट प्लेन्स ऑफ थॉट। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो फैसिलिटी की हम बात कर रहे हैं ना कि स्टेट प्रोवाइड कर रहे हैं लिक्विडिटी, लिक्विडिटी यूजुअली एज वरी सब एज राइटली पॉइंटेड आउट ये सबसे बड़ा रिस्क होता है किसी भी बिजनेस के लिए। ओके, लिक्विडिटी शॉर्टेजेस आर द वंस दैट आइदर मेक अ कंपनी और यू नो मेक इट गो अंडर, राइट? सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इसकी लिक्विडिटी क्या आप प्रोवाइड की गई? अच्छा, ये स्पेशल लिक्विडिटी प्रोवाइड की गई। मैं जनरल पर्सपेक्टिव पूछ रही हूँ, मैं टेक्सटाइल का ओवरऑल एग्जैजरेट नहीं चाहती। तो एक्सपोर्ट रिफाइनेंस कोई नई फैसिलिटी नहीं है, ये बहुत अरसे से चली आ रही है। अच्छा, इसमें क्योंकि कुछ एलिमेंट ऑफ अब्यूज हो जाता है कि पैसे दिए जाते हैं कम रेट के लिए एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए, और अगर आप उसको डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में डाइवर्ट कर देंगे तो ऑब्वियसली एक्सपोर्ट सेक्टर तो नहीं बढ़ेगा, दूसरे सेक्टर बढ़ने लगेंगे, राइट? तो ये हुआ है इन द पास्ट, राइट? बट दिस टाइम व्हाट हैज हैपेंड इज दैट इट हैज बीन अ वेरी कंट्रोल्ड डिप्लॉयमेंट ऑफ अवेलेबल लिक्विडिटी मेंट फॉर द पर्पस इट वाज टेकन। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी इस सारे प्रोग्राम की जो सेंट्रल बैंक ने प्रोवाइड की। दूसरे, टेक्सटाइल से रिलेटेड इंडस्ट्रीज भी बहुत सारी हैं, पेरिफेरल इंडस्ट्रीज वो भी बढ़ सकती है। आपने कंस्ट्रक्शन की बात की, एसएमई की जो बात था मेरा तो पिछले वाले प्रोग्राम में आपके साथ में बारह ये बात करता रहा कि देखिए जब तक हम लोग अपने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में एसएमईज को प्रमोट नहीं करेंगे, डोंट एक्सपेक्ट योर एक्सपोर्ट्स टू ग्रो। एक्सपोर्ट इज द इंजन ऑफ ग्रोथ, सारी नॉर्थ ईस्ट एशियन कंट्रीज ने प्रूव कर दिया है बात, ठीक है? अच्छा, उन्होंने किस तरह किया? उन्होंने भी सिर्फ एसएमई पे कॉन्सेंट्रेट करके लार्ज कॉर्पोरेट्स क्रिएट किए, बट फर्स्ट इट वॉज द स्मॉल सेक्टर, द स्मॉल एंड मीडियम सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी दैट सॉ ग्रोथ, and that allows for what does that happen socially? Socially usse middle class badhti hai, middle class jab badhti hai to literacy rates go up, when literacy rates go up your social understanding improves, it's a full cycle of socio and economic dynamics. Wo hamare mulk mein pehle ho chuka hai ye kaam. If you look at the growth that we have had in the 60s particularly, and then we saw some portion of it in the decade of the 2000, it was all a combination of that. Agar us taraf hum गामजन तो हो चुके हैं, इफ यू कैन जस्ट परस्यू दिस पाथ विद रिलेंटलेस विद क्लेंच्ड टीथ, यू नो, करके रहेंगे, ये कर देंगे हम, आगे कर सकते हैं। इससे जो एक बहुत अहम तरीन नुकता जो जिससे एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं और जहां पे मैं समझता हूं कि हमने एज ए नेशन वी हैव फेल्ड टू ट्रांसफॉर्म अवर पोलिटिकल अफिलियेशन इन टू इकोनॉमिक फेलियर। वाई? बिकॉज वी हैव गॉट गुड फ्रेंड्स ग्लोबली but we have not converted that into an economic relationship. Okay. So the need for economic diplomacy. इस next segment की बात करती हूँ कि overall कहाँ पे हमारा failure दिखाई दिया और उसको हम कैसे अब convert कर सकते हैं economic growth के अंदर। Next segment की तरफ चलते हैं। Let's have a look on daily highlights. आज की market की performance देखते हैं। ओपन हुई मार्केट 45,153.42 के लेवल पर, हायर साइड का मार्केट रेट 45,619.80, लोअर वॉज 45,153.42 सेम एज द ओपनिंग एंड फाइनली क्लोजर 45,344.54 का, यानी कि 191.12 का इजाफा देखा गया। टर्नओवर में करंटली मार्केट ने 641.43 मिलियन शेयर ट्रेड किए हैं, कल के मुकाबले में डिक्लाइन नजर आता है 23.08 मिलियन शेयर का, वैल्यू रही 25.52 बिलियन रुपीज। और वॉल्यूम लीडर्स में ऑल स्क्रिप्ट बीइंग इन ग्रीन टेरिटरी एक अनचेंज दिखाई दे रहे हैं, बाइको पेट्रोलियम इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 0.02 के माइनर इजाफे के साथ 9.81 पे क्लोजर 94.86 मिलियन शेयर ट्रेडेड, कैपको सेकंड स्कॉट पे 1.061 का इजाफा 10.42 पे क्लोजर 32.19 मिलियन शेयर ट्रेडेड, एंड लास्टली पावर 35.95 पे क्लोजर 34.20 का कारोबार रहा। यह था वॉल्यूम लीडर्स मार्केट की करंट परफॉर्मेंस। ओवरऑल हम देख रहे हैं एक पॉजिटिव नोट दिखाई दे रहा है मार्केट के अंदर, ओवरऑल इन्वेस्टर्स
जो है वो काफी हद तक पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं मार्केट के अंदर. इट मींस के मार्केट की जो पोजीशन है वो काफी हद तक स्ट्रांग होती हुई दिखाई दे रही है. मार्केट के ऊपर ही बात करना चाहूंगी, लेकिन मैं चाहूंगी कि सिराज साहब पहले वो कंप्लीट करें जो इससे पहले हम चल रहा था. मेरा ख्याल आप थोड़ा सा घबरा गई थी जब मैंने कहा कि नेगेटिव फॉल आउट की बात कर रहा था. नहीं, मैं घबराई नहीं, एक्चुअली आई नाज़िम बराह रास्त आपको लाहौर लेकर चल रहे हैं जहां गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर मीडिया से बात कर रहे हैं. हाजिर हुआ हूं. कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है. इस्लाम जिंदा होता है हर कर्बला के बाद. आज ये बात कहना चाहता हूँ कि ये बहुत जुल्म की बात है कि हजारा कम्युनिटी पे हर चंद महीनों के बाद दहशतगर्द क़यामत बर्पा कर देते हैं. और मैं हुकूमत की तरफ से भी आपसे वादा करता हूँ कि ये जो लोग जिन्होंने हमारे भाइयों को बच्चों को शहीद किया है ये इस्लाम के दुश्मन है, ये पाकिस्तान के दुश्मन है, ये बलूचिस्तान के दुश्मन है और ये हमारी कौम के दुश्मन है. हम इनको किसी सूरत में भी टॉलरेट नहीं करेंगे और इंशाल्लाह हम सब मिलके इनको कैफरे करदार तक पहुंचाएंगे. हजारा वाकई में मुलव्वस अफराद कौम के दुश्मन हैं, इन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा. ऐसा कहना है गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का. लाहौर में मौजूद हैं और यहां मौजूद मीडिया नुमाइंदगान से बात कर रहे हैं. बराह रास्त मनाजिर लाहौर से हमने आपको दिखाए. मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिए. रिलेशनशिप होती है दो दोस्तों की. एक होती है ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप. मेरे बहुत सारे दोस्त क्लाइंट्स नहीं बनते, तो क्लाइंट्स मैं अपनी बिल्कुल एक प्योर एक कॉर्पोरेट ब्रोकरेज हाउस के हेड के तौर पे कह रहा हूँ कि मेरे दोस्त रिश्तेदार जो मेरे समझ लेते हैं जो स्टॉक्स में, ये नहीं कि वो मेरे साथ यानी स्टॉक्स में काम नहीं करते, वो मेरे साथ नहीं करते. तो एक है कि फ्रेंडली रिलेशनशिप है, लेकिन उसको कन्वर्ट कैसे करना है ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप में, वो काम मेरा है. इसी तरह मुल्क है, इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन है, इसी तरह सारे काउंटर पार्ट है. अब जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन आपने देखे, आप शायद मुझे तो याद है हमारा किर जो कसूर में बना था या जो बहुत बहुत पाकिस्तान में ईपीजी जो है एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन जी, ये लोकल वाला कराची वाला या आप जो भी देख लें चूनिया का बना या अच्छा जो बनते हैं जोन्स वो जो एक्सिस्टिंग इंडस्ट्री से ज्यादा उनको जब मरात मिल जाती हैं तो वो वाले लोग यानी इस तरह कहते हैं ना कि जो पुराने जब पुराने इंडस्ट्री को अगर आप एट द कॉस्ट ऑफ देम नई इंडस्ट्री लगाएं और उनको अच्छे मरात दे दें तो वो बैठ जाती है, तो उसको बंद करके वहां जाना पड़ता है. तो बैलेंस्ड अप्रोच हो और ये जोन्स जो है ना अगर पर्टिकुलर इंडस्ट्री को हो, जिस तरह आप आईटी पार्क्स वाला कॉन्सेप्ट सबसे ध्यान में लाएं कि अगर आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या कोई भी प्राइवेट सेक्टर एक इंफ्रास्ट्रक्चर दे दे वहां आके लोग हाउस हों और उस हाउसिंग को नॉट द हाउसिंग ऑफ द वो वहां से काम करें और उधर लोग अप्रोच करें, उनको बिजनेस दें, वहां क्लाइंटेल आए. तो एक तो वो वाला जोन्स वाले कॉन्सेप्ट है. एक है पूरा इंडस्ट्रियल जोन जिस तरह इन द लास्ट डिकेड्स हर दफा बनते रहे. अब जो पाकिस्तान में जब मैं अपने इलाके कराची के साथ देखूं तो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन एक बहुत बड़ी एक चीज है जिससे हाउ टू मेक बेस्ट यूज ऑफ दैट ईपीजी, दैट इज समथिंग वी शुड बी डिस्कसिंग हियर. ओके, उस फैसिलिटी को किस सेक्टर ने कौन सा, जिस तरह आजकल लेट्स से वीट आजकल बहुत दुनिया में सिर्फ आपने वीट लानी है उसका उसको आपने अच्छी मिल पे फ्लावर बनाना है और बेच देना है और आपको अच्छे पैसे मिल रहे हैं, सिर्फ एक छोटी सी एग्जांपल के तौर पे. तो अगर वो वहां से इन हो, हमारा प्रोसेसिंग हो और आउट हो और हमें एक्स्ट्रा पैसे मिले, तो ईपीजी कॉन्सेप्ट का जो फायदा है इंडस्ट्री कैसे उठाएगी या बंदा कैसे उठाएगा या एंटरप्रेन्योर कैसे उठाएगा, उसके लिए कोई थिंक टैंक हो बातें करे लेके आए
तो दैट बातें ना करें सर, इम्प्लीमेंट करें ना. बातें करेंगे तो फिर बातें करते करते बहुत देर हो जाएगी और फिर कोई और आ जाएगा और फिर वो बातें फिर वही दोबारा बातों में कन्वर्ट हो जाएगा. तो हमें अब इम्प्लीमेंट करना है. ओवरऑल इन्होंने वीट की एग्जांपल दी सिराज साहब, दिखाई ये देता है कि जब वीट आती है, मैं थोड़ा सा अपना क्वेश्चन चेंज करना चाहूंगी. ओवरऑल जब वीट आती है तो जब ज्यादा हो जाती है तो एक्सपोर्ट हो जाती है और फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पर इम्पोर्ट करना पड़ती है, वो हालात आ जाते हैं. मिडिल मैन क्यों इतना फायदा उठाता है? मिडिल मैन का जो पूरा एक करियर है वो इसी पे ही चला जाता है और वो सबसे ज्यादा फायदे में रहता है. बाकी जो फार्मर है या फिर जो कंज्यूमर है वो इतना ज्यादा फायदा नहीं उठा पाता. आई एम सॉरी टू से, तो पॉलिसी फ्लॉ हुआ है तो मिडिल मैन का ताल्लुक नहीं है. मिडिल मैन का फायदा उठाया पॉलिसी फ्लॉ का, कि आप इम्पोर्ट इतनी अलाउ नहीं करें या एक्सपोर्ट इतनी अलाउ नहीं करें, यू हैव टू प्लेस एम्बार्गो. तो हमारे पास ऐसी इंडस्ट्रीज मौजूद नहीं है जिसे प्रोसेस करें प्रॉपरली. होता यह है कि वो चीज फिर खराब हो जाती है. This is the reason. That's what I'm saying. If you don't have ability to convert a particular product into a saleable product, then don't input the raw material. What's the point of importing the raw material? You should place an embargo on that. Jo baat hum abhi kar rahe the na, dekhiye, how to grow our exports? You have to look at newer markets. Nayi market nahi dekhenge aur usi market mein bechte rahenge, to ek saturation point pahunchega. Textiles aapne bech diye, Europe ko bech diye, North America ko bech diye. Uske baad you have to look for newer markets. And which are your newer markets now? इमर्जिंग अफ्रीका. अब कल की बात है, मेरा इतकाल है, बहुत देर बाद हमने जागे हैं, हम जब हमने डिस्कशन शुरू किया है इकोनॉमिक डिप्लोमेसी का कि एंगेज अफ्रीका. ऑलरेडी लॉट ऑफ कंट्रीज हैव ऑलरेडी एंगेज अफ्रीका, सो विल बी लेट एंट्रेंस, बट स्टिल देर इज रूम. इतना पोटेंशियल वहां पे सब सहारन अफ्रीका में इस वक्त पहुंचे थे, हमें एक ट्रेड कॉरिडोर बनाने की जरूरत है बिटवीन पाकिस्तान दुबई एंड गोइंग डाउन टू केनिया साउथ अफ्रीका एंड देयर एडजॉइनिंग कंट्रीज. ये पाकिस्तान के फायदे में है. रॉ मटेरियल से लेके फ्रेंडली रिलेशन से आपने कहा था फायदा उठाया नहीं कभी को ऐसा उसे इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बदला, बल्कि उससे बस रिलेशन रखे एक हेलो हाय वाले. तो ये सर अब फायदा उठाने का वक्त आ गया है. कुछ अगर ट्रेड अग्रीमेंट्स भी होने चाहिए और फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स होने चाहिए, हमें मार्केट भी ढूंढने की जरूरत है. बिल्कुल ढूंढने की जरूरत है. वी हैव टू फाइंड न्यू मार्केट्स. अनलेस वी फाइंड न्यू मार्केट्स वी कांट ग्रो आवर एक्सपोर्ट्स. देयर इज अ कैपेसिटी फॉर एवरी मार्केट. लेकिन हर मार्केट की कैपेसिटी की कितना खरीदेगी वो. सैचुरेशन पॉइंट पे कभी तो पहुंचेगी ना. उसके बाद वेयर डू यू सेल योर प्रोडक्ट्स, बिकॉज यू आर कंटिन्यूअसली प्रोड्यूसिंग इट. सो यू हैव टू हैव अ मार्केट अवेलेबल एंड दैट मार्केट्स आर अवेलेबल. आप देखिए ना, मैं उन कंट्रीज का एग्जांपल इसलिए नहीं देता हूं क्योंकि तकलीफ बहुत ज्यादा होती है देते हुए भी. वियतनाम, बांग्लादेश डज नॉट ग्रो स्टेपल ऑफ कॉटन, राइट? इफ देयर हैव गॉट एक्सपोर्ट्स एक्सीडिंग अस इन टेक्सटाइल्स, इट स्पीक्स वॉल्यूम्स, राइट? सर इस साल तो हम हमारे ऊपर ब्लेसिंग भी है और हम बेनिफिशियरी भी रहे हैं कि जब उनकी एक्सपोर्ट्स कम हो रही हैं. फरीद साहब आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? ओवरऑल बांग्लादेश जो है वो ओवरऑल उसकी पॉलिसीज की वजह से बहुत ज्यादा फायदा उठा रहे हैं और टका भी रुपी से ज्यादा जो है वो अब अप्रिशिएट हो गया है. इस पर क्या कॉमेंट करेंगे सर? जी, जो अभी सर साहब ने कहा मैं उस पर कहूंगा कि वो इसमें एक चाइनीज प्रोवर्ब है जो उन्होंने अफ्रीका वाली बात की, वो कहता है वो ये है कि द बेस्ट टाइम टू तर्जमान बलोचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं. सानिया, मच में हुआ के रोज अव्वल से हम इस सानिए को जो भी इस्तलाहात हैं किसी भी डिक्शनरी में हो सकते हैं, हमने ये कोशिश किया कि हम इसको कंडम करें. हमने बारहा कंडम किया और आज भी हम इसकी मजम्मत करते हैं. बारह हम तो यही गुजारिश कर रहे हैं कि अदारा बरादरी वो इस तमाम दर्द को वो अकेले महसूस नहीं करते, बल्कि ये हम सबका दर्द है. इस दर्द को हम अपने दिल में महसूस करते हैं, तमाम बलूचिस्तान की आवाम, तमाम पाकिस्तान की आवाम. और हम ये समझते हैं कि बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने बारह यानी जब ये वाकया पेश आया, इंतहाई अफसोसनाक वाकया, इंतहाई दर्दनाक वाकया, इंतहाई अलमनाक वाकया, इंतहाई वहशतनाक वाकया, कोई भी इस्तेमाल आप इस्तेमाल करें, हमने इस्तेमाल किया और हमने इसके हवाले से उसी वक्त इन्वेस्टिगेशन फौरी तौर पे इसकी जारी हुई, एफआईआर दर्ज हुआ. जो भी इसमें मुलविस हैं, ये गवर्नमेंट की कमिटमेंट है, फर्म कमिटमेंट है कि हम हुन तक जरूर पहुंचेंगे, उन्हें अरेस्ट किया जाएगा, उन्हें इंसाफ के कचहरे में लाया जाएगा. तो इस सिलसिले में जो शोधा के लवाकीन हैं उन्होंने एहतजाजन धरना दिया है और हम
उस धरना को हम ये समझते हैं वो दरिया उनका हक है, उनका राइट है, वो एहतजाज करें। लेकिन एक गुजारिश जो हम सब कर रहे हैं, एक गुजारिश जो वजीर आजम पाकिस्तान ने किया, एक गुजारिश जो वजीर आला बलोचिस्तान ने किया, वो गुजारिश जो हमारे वफाकी वुजरा करते रहे, वो गुजारिश जो हमारे सूबाई वुजरा करते रहे, वो गुजारिश जो हम धरना जो मुंतमजमीन है, जो नुमाइंदगान है, जो अकाबरीन है, उनसे मिल मिलके हम एक गुजारिश करते रहे कि जो मैयतें हैं उनके तकद्दस को मद्देनजर रखते हुए जो हमारे जो शरीयत है, जो इस्लामी जो हमारे शहार हैं, जो हमारे कल्चर है, जो हमारे वैल्यूज हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए मैयतों की तदफीन की जाए। और उसके बाद भले आप मुजाहरा करें, भले आप धरना दें, भले आप एहतजाज करें, हमें कोई उस पर एतराज नहीं। इस सिलसिले में हमारे सूबाई वुजरा, वफाकी वुजरा, वजीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल साहब हाथे साथ ही वो वहां पर इमाम बारगाह में गए, उन्होंने मीडिया टॉक की, अकाबरीन से मिले, फिर जो है धरना में गए, वहां पे जितने शुरका हैं उन शुरका से मुलाकात की, और एहतजाज पे जो लोग बैठे हैं हमने ये कहा कि जो आपका मुतालबा है हम कंसीड करते हैं, हम आपको मेक श्योर करेंगे इंशाल्लाह कि मुस्तकबिल में ऐसा वाकया रूनुमा ना हो, हम मेक श्योर करेंगे कि जो इसमें मुलविस हैं उनको कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए। जिस सतह पे हजारा बिरादरी को सिक्योरिटी चाहिए हम सिक्योरिटी फराहम करेंगे, उस लेवल पे उनके इत्मीनान के हद तक जाके, और इस बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने हमने परफॉर्म किया, हमने साबित भी किया। और इस सिलसिले में आज जो हमारे अपोजिशन की आदत है उनका आमद शुरू हुआ, मोहतरमा मरियम नवाज बीबी साहिबा अभी तशरीफ लाई थी, वो भी धरने में गए, मोहतरम बलावल भुट्टो जरदारी साहब तशरीफ लाए, वो भी धरने में तशरीफ ले गए। और आप यकीन जानिए हमें एक उम्मीद हो चला था कि हमारे जो ये लीडर्स हैं इस वक्त, चूंकि या ज़ारा बरादरी का दुख सबका दुख है, यह सियासत का वक्त नहीं है, यह पॉइंट स्कोरिंग का वक्त नहीं है, ये उनके मरहमों पे, उनके जख्मों पे मरहम रखने का वक्त है। और हम ये समझ रहे थे कि बलावल साहब कि जिनकी वालदा मोहतरमा खुद शहीदा हैं, वजीर आजम पाकिस्तान रह चुकी हैं, उनके वालिद साहब आसिफ जरदारी साहब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान रिस्पॉन्सिबल होते पे रहे, मरियम बीबी उनके वालिद साहब 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, यूसुफ रजा गिलानी साहब जो खुद वजीर आजम पाकिस्तान रह चुके हैं, हमारी यह तवक्को थी कि आज पॉइंट स्कोरिंग सियासत नहीं होगा, और उन्होंने खुद भी कहा कि हम सियासत करने नहीं आए, लेकिन आज सियासत हुआ, दबे अल्फाजों में सियासत हुआ, नरम जुमलों में सियासत हुआ, और उस सियासत में बजाय के अपना किरदार अदा करते हुए जो शुरका है, जो मुंतजमीन है धरने के, उनसे यह गुजारिश की जाती, इस्तेदा की जाती, अपील की जाती कि जो मैयतों की तकद्दस है उसको मद्देनजर रखते हुए उनकी तदफीन की जाए। इस जुमले को मैंने कहीं नहीं सुना उन स्पीचेस में, और जो मैंने सुना वो सिर्फ इश्तिहाल अंगेजी थी, विच वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट कि इश्तिहाल दिलाने के लिए ऐसी बातें की गई। और दावा किया गया मरियम बीबी साहिबा की तरफ से कि उनके दौर हुकूमत में कोई वाकया ऐसा कोई पेश नहीं आया, उनके दौर में बिल्कुल टेररिज्म का खात्मा हुआ। यकीनन आपके दौर में बेहतरी जरूर आई, लेकिन कंपेयर करके देख लें, मरियम बीबी आपके दौर हुकूमत में मियां नवाज शरीफ साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे तो ऑलमोस्ट इस तरह के वाकयात होते रहते थे, दहशतगर्दी होती रहती थी, क्वेटा में इस तरह के कई वाकयात हुए, कचहरी में वकला की शहादत हुई, खुदकुश हमले में कितने लोग शहीद हुए, कितने हमारे क्रीम कैडर इस मुल्क का उनकी शहादतें हुई, बलूचिस्तान के तूल अर्ज में धमाके हुए, इस मुल्क में इस तरह के कई धमाके हुए, इस मुल्क में इस तरह के कई वारदातें हुई। तो मैं मेरी गुजारिश यह है, इसी तरह बलावल भुट्टो साहब जिन्होंने दावा किया कि पीपल्स पार्टी के दौर में उन्होंने हजारा बरादरी के तमाम मुतालबात कंसीड किए, उनके दौर में उनके उस वक्त के वजीर आला ने
اس کے کلمات کیا تھے، اس کی سنجیدگی کیا تھی۔ میں آج پوائنٹ سکورنگ ایسی کوئی بات کرنا نہیں چاہتا، میں نے اوائڈ کیا ہے۔ چار دن سے جب سے یہ واقعہ پیش آیا ہے، تمام ٹی وی چینلز پہ آپ تمام کلپس اٹھا کے دیکھ لیں، ٹاک شوز میں میں گیا ہوں، میں نے بیپر دیے، میں نے گزارش کی ہے، ریکویسٹ کی ہے، ہمدردی کا اظہار کیا ہے، کمٹمنٹ ڈیڈیکیشن کے ساتھ کہ انشاءاللہ اس طرح واقعہ پیش نہیں آئے گا۔ ہم نے پوائنٹ سکورنگ ایسا جملہ کبھی استعمال نہیں کیا۔ بعض جگہ جو پینلز میں دیگر شرکا رہے ہیں ٹاک شوز میں، انہوں نے اگر ایسی کوئی بات بھی کی، میں نے اوائڈ کیا۔ تو آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ ایز اے ایک پولیٹیکل پارٹی کے نائب صدر، سابق وزیر اعظم کی صاحبزادی کی حیثیت سے، جو ان کو اپنی ذمہ داری آج سنجیدگی ادا کرنا چاہیے تھا، جو ذمہ داری دکھانا چاہیے تھا، وہ ہمیں قطعاً نظر نہیں آیا۔ نہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی طرف سے، نہ یوسف رضا گیلانی کی طرف سے، نہ ہمارے محترم وزیر اعلیٰ سندھ ان کی طرف سے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ایک یہ مسئلہ ہے، اور یہ ایک مسئلہ جو ہے، اب افغانستان آپ دیکھیں کہ افغان گورنمنٹ نے مراسلہ جاری کیا ہے، ہمارے گورنمنٹ سے، فیڈرل گورنمنٹ سے، افغان گورنمنٹ نے اپنی جو میتیں ہیں یا افغان شہری ہیں وہ ان کی مانگ لی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ 7 شہری ان میں افغان شہری ہیں، 3 کی میتیں ان کے لواحقین نے افغانستان میں اپلیکیشن دیا ہے افغان گورنمنٹ کو کہ ہماری میتیں ہمارے حوالے کی جائیں، افغانستان میں ان کی تدفین ہوگی۔ افغان گورنمنٹ ہم سے اپنی میتیں مانگ رہا ہے، ہم گزارش کر رہے ہیں مظاہرین سے کہ خدا را جو یہاں کے ان کی تدفین کی جائے، اور جو افغان گورنمنٹ جو میتیں مانگ رہے ہیں ہم سے، آج وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال صاحب نے اپنے ٹویٹ میں بھی یہ گزارش کیا ہے کہ درنا شرکا وہ اس بات کا خیال رکھیں اور تعاون کریں۔ اور میں ایک دفعہ پھر یہ گزارش کرتا ہوں اپنے تمام ادارہ بہنوں بھائیوں سے، ان درنے کے شرکا سے، کہ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے فیڈرل منسٹر تمام تشریف لائے، وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال صاحب خود آپ کے ساتھ کہیں گھنٹے وہاں پہ ازارہ ٹاؤن میں آپ کے ساتھ رہے، گزارش کرتے رہے۔ اور یہ بھی کہا وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال صاحب نے کہ لا اینڈ آرڈر کی جو یہاں پر بہتری ہے یا فیوچر میں جو ریسپانسبلٹیز ہے وہ ہم نے ادا کرنا ہے، وہ پرائم منسٹر صاحب نے آ کے ڈائریکشن دینا ہے، تو ہم نے یہاں ساتھ رہنا ہے، ہم نے آپ کا خدمت کرنا ہے، ہم نے آپ کے مسائل کو سننا ہے، ہم نے آپ کو سیکورٹی فراہم کرنا ہے، پروٹیکشن آپ کو پرووائڈ کرنا ہے، دس از آر ریسپانسبلٹی۔ اور سی ایم صاحب کی تمام جو کمٹمنٹ ہے، جو ان کا خلوص ہے، وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا۔ اب بھی اگین میں گزارش کر رہا ہوں کہ برائے کرم جو میتیں ہیں ان کی تدفین کی جائے، اور برائے کرم جو افغان گورنمنٹ نے ہماری گورنمنٹ سے رابطہ کیا ہے کہ وہ اپنی میتیں وہ واپس مانگ رہے ہیں، وہ افغانستان میں ان کو دفنانا چاہتے ہیں، تو اس سلسلے میں بھی میں اگین گزارش کرتا ہوں کہ درنا شرکا وہ ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ بہت شکریہ۔ ترجمان بلوچستان حکومت لیاقت شاہوانی کوئٹہ میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ افغان حکومت نے اپنی میتیں ہم سے واپس مانگی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دھرنا دینا، احتجاج کرنا یقیناً ہزارہ برادری کا حق ہے، لیکن ان سے گزارش یہ ہے کہ وہ اپنی میتوں کی تدفین کے بعد اگر چاہیں تو دھرنے کو جاری رکھ سکتے ہیں، ہزارہ برادری کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہزارہ برادری کو جو بھی سیکیورٹی چاہیے، ہم وہ سیکیورٹی فراہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ تھی پی ٹی وی سے تازہ ترین۔ آپ کے اوپر آؤں گی کہ جب ملک چل رہا ہوتا ہے پازیٹو نوٹ پہ، تو سٹارٹ کی اگر ہم بات کریں، جب اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے گورنر نیو آئے تھے اور جب پالیسیز آ رہی تھی، تو بہت ایک ریجڈ بیہیویئر دکھائی دے رہا تھا۔ ایٹ دا سیم ٹائم اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے ریزلٹس اچھے آ رہے ہیں، اور انٹرسٹ ریٹ جب اوپر جا رہا تھا تو سب چیخ رہے تھے، لیکن اب ہمیں دکھائی دے رہا ہے ساری چیزیں اب پازیٹو نوٹ پہ آ رہی ہیں۔ کووڈ کا بھی اس میں ہاتھ ہے، لیکن کافی حد تک چیزیں پازیٹو نوٹ پہ آ رہی ہیں، پاکستان کی اکانومی کو کافی حد تک سنبھالا دیا گیا ہے۔ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ ایک یہاں سے شروع کروں گا۔ جس طرح صاحب نے کہا کہ بیوروکریسی، پلاننگ کمیشن بالکل اپنی جگہ پہ کام کر رہا ہے، کر رہا ہوگا، بٹ پرائیویٹ سیکٹر کا اور یہ جو ہمارا پبلک سیکٹر کا مزاج پوری دنیا میں فرق ہوتا ہے۔ اب بہت سارے ایگزامپلز ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں۔ ایک تو لیٹسٹ ایگزامپل ہے جو آج ایک بندہ آیا ہوا تھا ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر، وہ چلے گئے چھوڑ کے۔ تو
जहां आपने प्राइवेट सेक्टर में काम करने की आप आदत हो और आप जाके बैठ जाएं एक ग्रुप में जहां सेक्शन ऑफिसर ने बनाना है, डिप्टी डायरेक्टर ने उसको देखना है, फिर आगे भेजना है, फिर वापस आना है, फाइल टू फाइल होगी, डिफरेंट है सारा, तो हर चीज डिफरेंट तो इसलिए है। जो हम प्राइवेट सेक्टर जो थिंक टैंक की बात हो रही है, मेरी पर्सनल उम्मीद है कि ये प्राइवेट सेक्टर की बात हो, हमारे यहाँ भी बहुत सारे बन जाते हैं थिंक टैंक लेकिन उनसे बात सुनता कोई नहीं है। तो आई थिंक ये थोड़ा सा भी डायलेमा है और रहेगा कि एक तो ये प्राइवेट सेक्टर के लिए प्लानिंग कमीशन या सरकार बहुत ज्यादा कोई आगे की सोच नहीं सोच सकता। वो हम एक साफ थे पिछली गवर्नमेंट में भी, वो विजन 2025 2035 वाला करते रहते थे, विच वॉज गुड ऑन द पेपर, बट प्राइवेट सेक्टर अपने लिए खुद रास्ता निकालता है। सिर्फ सरकार का काम ये होता है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर या उसको पॉलिसी दे दे राइट, और बाकी उसके दरमियान में एक ऐसी पॉलिसी दे दे उसके अंदर खुद ही प्राइवेट सेक्टर अपना काम निकालता रहे। ठीक है, यहाँ पे मैं गुफ्तगू को खत्म करूंगी, अभी हम चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। कमोडिटीज और फॉरेक्स के लेटेस्ट अपडेट आज की मार्केट में देखते चलते हैं। गोल्ड की पर्चोला प्राइस 1,15,317 रुपीज, गोल्ड पर तेंगम 98,971 रुपीज, इंटरनेशनल गोल्ड एट पर 1,911.11 डॉलर, ऑयल डब्ल्यूटीआई पर बैरल 51.08 डॉलर, ऑयल ब्रांड क्रूड पर बैरल 54.61 डॉलर। करेंसीज में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 195.5, सेलिंग वॉज 198, यूके पाउंड बाइंग रही 215.5, सेलिंग वॉज 218.5, यूएस डॉलर बाइंग रही 160.01, सेलिंग एट 160.80, चाइनीज यॉन बाइंग एट 24.50, सेलिंग वॉज 24.65, सऊदी रियाल बाइंग एट 42.4, सेलिंग वॉज 43.1, यूएई दिरहम बाइंग एट 43.5, सेलिंग वॉज 44.2, कुवैत दिनार बाइंग रही 502.5, सेलिंग वॉज 505, एंड लास्टली ओमानी रियाल बाइंग रही 411 रुपीज, सेलिंग वॉज 413 रुपीज। ये था फॉरेक्स और कमोडिटीज का लेटेस्ट अपडेट। इंटरनेशनल ऑयल प्राइस हमें बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसे जैसे वर्ल्ड ओपन होगा ये सारी चीजें प्रॉपरली जो है वो अलाइन होते हुए दिखाई देंगी। एट द सेम टाइम ओपेक की भी मीटिंग है, उसका भी जो है वो एक इम्पैक्ट नजर आता है, और इसके साथ साथ गोल्ड प्राइस लोकल मार्केट में कम होते हुए दिखाई दिए हैं अराउंड 2000 पॉइंट्स। तो ओवरऑल यहां पर एक गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू देखा जा सकता है। फरीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी लास्ट नोट लेते हैं, और अजीज साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर फरीद साहब, सबसे पहले ये बताइए कि करेंसी क्या दिखाई दे रही है 160 के अराउंड, ख्वाहिश क्या है वो तो है कि 150 हो जाए, क्या है और ओवरऑल क्या लग रहा है फोरकास्ट? जो लग रहा है वो ये है कि यही खड़े रहेगी। हमसे बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि 124 से 168 तो बहुत छलांगे मार के हुई थी और वापस चार चार आने करके आ रही है। एग्जैक्टली मेरी एज अ पाकिस्तानी ख्वाहिश है कि 150 के अंदर आ जाए, लेकिन वो क्या अवामिल होंगे, कैसे आएगी, दैट इज टू बी सीन। अच्छा, दूसरा एक सवाल लोग हमसे पूछते हैं कि भाई ये हमारा एक्सचेंज रेट बाकी दुनिया से आके फंस क्यों गया यहाँ? तो वो उसका आंसर मैं हमेशा देता हूँ अपने स्टूडेंट्स को भी और सब अपने क्लाइंट्स को भी कि ये जो एक्सचेंज रेट होता है, ये तो बैंकर बताएंगे, ये इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल। अगर हमारे यहाँ पाकिस्तान में इन्फ्लेशन 7% है और 7.9%,